खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। सर कैसा लग रहा है 2019 में बेगूसराय? आपको ज्यादा बेहतर मालूम होगा, मैं अच्छा। सर एक बात है कि ये जो अभी चुनावी समय में कुछ राजनीतिक लोगों की जो बातें हो रही है उसका कुछ अस्तर गिरता हुआ दिख रहा है। कभी राजनीति हम करें, आप करें, कोई भी करे, लेकिन माँ पहुँचना, माँ आशीर्वाद करना या नानी के लिए बात करना कहाँ तक? जिसको जितनी समझ है उतना करता है जनता से। आपका मतलब लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई विकृत मानसिकता की है, हमारी लड़ाई विकृत राष्ट्रवाद की सोच के खिलाफ, हमारी लड़ाई वैसे लोगों के साथ है जो बेगूसराय के विकास को रोकना चाहते हैं, हमारी लड़ाई आरजेडी से भी है, हमारी लड़ाई कम्युनिस्ट कांग्रेस सब से। सर महागठबंधन के उम्मीदवार भी मानते हैं कि लड़ाई आपसे, सीपीआई के उम्मीदवार भी मानते हैं कि लड़ाई आपसे, कहीं दो नंबर की लड़ाई ही तो नहीं लोग लड़ रहे हैं? ये जनता जाने, मेरा काम है जनता को जगाना इस विकृत सोच के खिलाफ जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो हमारे सैनिक के शौर्य पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो खाते भारत का है खाते पाकिस्तान का, जो बेगूसराय में नफरत की बीज बो रहे हैं, जो बेगूसराय में सांप्रदायिकता का बीज बो रहे हैं, जो जिन्ना का जिन फैला रहे हैं, वायरल फैला रहे हैं, हमारी लड़ाई उनके। क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए वोटर हैं, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं? हम उनको कहेंगे राष्ट्र को दोनों चीज चाहिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी का विकास चाहिए तो दूसरे तरफ जो कदम हम राष्ट्र सुरक्षा की ओर बढ़ाए हैं, जो दुनिया के हर शक्तिशाली देश के पास है, अमेरिका, इजराइल, सब जगह है, चाइना, सब जगह है, कोई अपने देश के सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है, कोई लोग नहीं कहता कि ओसामा बिन लादेन का कब्र कहाँ खुदे थे उसका वीडियो देखा है, कोई नहीं कहता कि इजराइल राजा पट्टी में कितने आतंकी को मारा कि नहीं मारा, कोई अपोजिशन कोई नहीं। ये भारत में भारत माता की सुरक्षा के प्रति संवेदनहीनता है, इसके खिलाफ सजग हो और कहा हम कह रहे हैं कि लोग इकट्ठे हों इस मानसिकता के खिलाफ, नए वोटर भी आए उनके साथ जुड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद।